बहुचर्चित सीना बोरा हत्याकांड मामलें नुआ मोड़ सीबीआई हेफाजत में मृत सीना बोरा हाड़ कंकाल एवं गायब हो हाड़ कंकाल ही इंद्राणी मुखार्जी को दोषी सब्यस्त करिबारे मुख्य प्रमाण भाव व्यवहार होता किंतु तदंत अधारू किए नहींगला अस्थि कंकाल रायगढ़ पेन जंगल अस्थि कंकाल संग्रह कर पुलिस तदंत भार सीबीआई को दिजापर संगृहित समस्त प्रमाण यह केन्द्रीय संस्था को दिजाइला मुंबई बाइकुल स्थित राज्य सरकार जेजे हस्पिटाल फॉरेंसिक विशेषज्ञ को अस्थि कंकाल गुड़िक जमा दिया परीक्षापी कोर्ट वर्तमान फॉरेंसिक विशेषज्ञ साक्ष्य रेकर्डिंग करी प्रथम 2012 पेन पुलिस द्वारा उद्धार होता हाड़गुड़ी जांच करते जंगल में जोठे सीना बोरा जली जाब को कबर दिजाई 2012 यह हाड़ सबको रायगढ़ पेन ग्राम जंगल उद्धार पर यह सीना बोरा सीबीआई यह अस्थिगुड़िकर परीक्षापी मुंबई जेजे हस्पिटाल को पठा जाता हेले हाड़गुड़िक बहु खोजाखोजी पर भी मिलून मुंबई स्पेशल कोर्ट में कही सीबीआई निखोज हाड़ विषय में सीबीआई कोर्ट में तदंतकारी संस्था कही सीना बोरा अस्थि कंकाल को देखी ना केवल यह मिलता जानी इंद्राणी मुखार्जी वकिल रंजित सांगले शनिवार यार जवाब देते इंद्राणी मुखार्जी वकिलों कहवा कथा है जबत होता अस्थि कंकाल संपर्क में केन्द्रीय तदंतकारी संस्था न जाणी एक बड़ भूल यह कोर्टे चैलेंज कर सीबीआई होउछि केन्द्र सरकार एक अत्यंत जत्नशील दायित्ववान तथा स्वाधीन अनुसंधानकारी संस्था बोली मुखार्जी वकिल रंजित सांगले कही भूल तदंत और मामलार राय को अन्य दिगरे नहीं पारे बोली से कही हत्या मामलें मुख्य अभियुक्त होउछन्ती सीना बोरा मां इंद्राणी मुखार्जी पुलिस सूचना अनुसार 24 वर्ष वयस्का सीना बोरा एप्रिल 2012 हत्या करा जदियो यह अपराध केवल 2015 गुरुवार दिन स्वतंत्र पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीजे नंदोड कोर्ट को सूचना देते फॉरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा रेफर होता एवं जांच करा जाइतबा हाड़ एवं अवशिष्टांश पुंखानुपुंख अनुसंधान सत्ते रही पार ना नंदोड आहुरी मध्य कहते प्रवर्तन निर्देशक प्रबंध गुड़िक न देखाई साक्षी मुख्य परीक्षा जारी रखा योजना करछि कारण से गुड़िक अणसंरक्षित अटे प्रतिरक्षा वकिल माने वकिलों अनुरोध में कौन आपत्ति उठाइबा परे सीबीआई कोर्ट अधिक प्रमाण रिकॉर्डिंग पई ए मामला को जून 27 को स्थगित रखिथिले क्वेश्चन इज व्हाई वाज द सीबीआई नॉट डिलिजेंट इन डिपॉजिटिंग दीज आर्टिकल्स इन द कोर्ट बिकॉज़ द प्रोसेस इज दैट दीज हैव टू बी डिपॉजिटेड इन कोर्ट So if they had deposited, then where did it go? If it was in their malkhana, then where did it go? And why did they not deposit these articles in the court? Now, in whose custody they were last seen or observed or recorded is what the paper trail will establish. But I think this weakens the prosecution case, and this will to a great extent go to the root of the entire prosecution. And right from day one, we have been maintaining that there is no body, there is no skeleton, and the... initial investigating agencies have completely falsely implicated my client, Mrs. Indrani Mukherjee, and have forced her to undergo a pre-trial incarceration or as an under-trial for 6.5 long years. We have been maintaining that from day one she is completely innocent. You see the developments in this matter, piece by piece, the manner in which the prosecution evidence has itself demonstrated to be fabricated. For example, even the DNA reports. The DNA reports were fabricated. The DNA expert was suspended in a subsequent matter, right? For same fabrication of the DNA reports and the forensic evidence. Now, a couple of witnesses also stated that they were forced to identify Indrani Mukherjee in the identification parade when the original witnesses had never identified her. Now, why does an investigating agency need to fabricate evidence and force witnesses to depose against a particular person when there is a great level of evidence of innocence of that particular person? This is not how investigating agencies are supposed to behave. So again, the question remains, who are these powerful forces who so desperately want Indrani Mukherjee to be behind bars or thrown to the gallows, right? And